और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी और बिहार में कुल 5 लोकसभा सीटों पर यह वोटिंग हो रही है और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही साथ बांका और भागलपुर में भी मतदान हो रहा है। बिहार में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव, पहले चरण में 4 राज्यों में सीटों पर वोटिंग हुई और 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम। तो किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में वोट डाले जा रहे हैं और बांका और भागलपुर में भी मतदान किया जा रहा है, जहां पर सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। तो पहले चरण में जहां 4 राज्यों में वोटिंग हुई, तो वहीं 4 जून को आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की यह वोटिंग जारी है, जहां पर सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। 5 सीटों की अगर बात की जाए तो बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, ये वो सीटें जहां पर चुनाव हो रहे हैं और 7 चरणों में लोकसभा चुनाव बिहार में होना है। पहले चरण में राज्य की 4 सीटों पर हुई थी वोटिंग, वहीं 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के ये परिणाम।